हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फैमपे के बारे में। फैमपे एक जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसमें कि खास करके 13 साल से 19 साल के लोगों के लिए बनाया गया, जिसमें कि विदाउट पैन कार्ड के आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे रजिस्टर करना पड़ता है इसमें। तो सिंपली जैसे अपना फैमपे डाउनलोड करके ओपन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना रहेगा। तो सिंपली आप गेट स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, एंड उसके बाद आपको अपना नंबर पूछा जाएगा। आप अपना एक नंबर डाल दीजिए जिस नंबर से आप लॉग इन करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ। नंबर डाल के जैसे आप प्रोसीड करेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आपको सिंपली ओटीपी फिलअप करना रहेगा। तो सिंपली जैसे आप ओटीपी अपना डाल के आगे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा और आपको सिंपली दिखा जाएगा कि आपका कार्ड ये है, विदाउट इसमें कार्डलेस है। आपको मतलब कहीं पर भी स्वाइप कर सकते हो, आपका यहाँ पर कोई नंबर मैंसन नहीं रहेगा। तो सिंपली आपको इस पर कार्ड पर टच करना है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम एंड आपका लास्ट नेम एंड उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। तो सिंपली आपका डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। तो सिंपली अपना यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका लोकेशन पूछा जाएगा कि आपको अलाउ करना है। आप व्हाट्सअप अलर्ट ऑन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप अलर्ट ऑन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ग्रांट परमिशन करना है, उसके ग्रांट परमिशन करने के बाद आपको कुछ स्टेप अलाउ करने के लिए पूछा जाएगा। तो आप फटाफट अलाउ कर लीजिए एंड उसके बाद आपको प्रोसीड करना रहेगा। एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि 1 मिनट में आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। RBI के थ्रू अप्रूवल भी है कि आपको ये अकाउंट यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना रहेगा। तो सिंपली इसमें एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अगर फुल KYC करना है तो आप यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर डाल के फुल KYC कर सकते हैं। अगर आपका फुल KYC नहीं होता तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ मिनिमम KYC भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको फुल KYC कर लेता हूँ। उसके बाद आपका आधार नंबर डालने आपको कंटिन्यू करना रहेगा। उसके बाद आपके आधार नंबर से एक OTP आएगा जो आपके मोबाइल नंबर भी लिंक है। उसके बाद आपको OTP फिलअप करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड करना रहेगा। तो सिंपली देख सकते हैं जैसे कि OTP आ चुका है, मैं OTP डाल के सबमिट करता हूँ। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड का OTP डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन लिमिट जो है कि पर ईयर आप लगभग 2 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। स्कैन एंड UPI भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसके बाद आपको करना रहेगा कंटिन्यू। तो जैसे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद। अब बात करते हैं अगर आपको इसमें ऐड मनी करना रहेगा तो सिंपली आप यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करके आपको जितना अमाउंट ऐड करना उतना अमाउंट टाइप कीजिए एंड यहाँ पे पूछा जाएगा आप क्यों ऐड करना चाहते हो, कुछ भी आप डाल दीजिए। एंड उसके बाद आपको ऐड मनी करना, अगर आप यहाँ से चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको उसका सिलेक्ट करने के बाद ऐड मनी पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑथेंटिकेशन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप जिससे पेमेंट करना चाहे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे ऐड मनी कर सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ से किसी को पैसे ट्रांसफर करने तो आप सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। देख सकते हो आपके जितने भी अगर फ्रेंड है जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड किए रहेंगे पहले से, उनका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। एंड आप डायरेक्ट चाहे तो यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो, जितना अमाउंट चाहिए आपको अमाउंट प्लस क्यू ट्रांसफर करना, वही आप रीजन या विदाउट रीजन भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करना रहेगा एंड आपको यहाँ से पेमेंट कर सकते हो सक्सेसफुली। अगर आपको उनसे पैसे मंगाना है तो यहाँ से आप सेंड की जगह रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, आप यहाँ से रिक्वेस्ट प्रोसीड कर सकते हो और यहाँ से आप रिक्वेस्ट मंगा सकते हो, आपको सामने वाला बंदा पेमेंट कर ले। एंड बात करते हैं आप इसमें UPI सेटअप भी कर सकते हो, आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेटअप योर UPI ID पे क्लिक करना रहेगा एंड उसके बाद प्रोसीड करना है। जैसे ही आप वहाँ से सेंड करेंगे आपके मोबाइल नंबर से एक OTP जाएगा जिसमें आपको मिनिमम 1 रुपया बैलेंस होना चाहिए। तो सेंड SMS एंड टू वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आपको अलाउ करना रहेगा। तो पूछा जाएगा कि आप कौन से सिम से मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप अपना सिम सेलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद सेंड कर दीजिए। जैसे सेंड करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपका नंबर वेरीफाई होगा एंड इसके बाद आपका UPI सेटअप हो जाएगा। तो सिंपली उसके बाद आपको अपना एक UPI ID क्रिएट करके दे दिया जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर @ फैमपे रहेगा। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ EDD और UPI ID पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आप जिस नाम से चाहिए आप वो बना सकते हैं। तो पहले आप मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे नाम से अवेलेबल है तो कि नहीं, आप देख सकते हैं आप नीचे देखा UPI ID नॉट अवेलेबल, तो फिर मैं दूसरा एक बना के रख लेता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं ये UPI ID अवेलेबल है, इसके बाद मुझे बनाने के बाद कंटिन्यू करना रहेगा। तो जैसे यहाँ पे आपका UPI ID क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे टैप टू कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा एंड उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना बैक। एंड आप UPI ID क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से चाहे तो स्कैन एंड पेमेंट भी कर सकते हैं। तो सिंपली जब मैं आपको स्कैन करके एक पेमेंट करके दिखाता हूँ, तो सिंपली जैसे आप स्कैन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे QR कोड पूछा जाएगा। तो सिंपली मेरे पास एक अमेजन का QR कोड है, मैं उसको स्कैन करके दिखाता हूँ। जैसे सिंपली देखिए आप अमेजन का QR कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि किसका QR कोड है, किस नाम से है। तो अगर आपका किसी नाम से आएगा तो नाम लिखा, ये एक बिजनेस अकाउंट का था तो यहाँ पे लिख के आ रहा है अमेजन पे मर्चेंट। तो सिंपली इस पर आपको कितना पेमेंट करना है आपको वो डाल दीजिए एंड उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा।